गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ आर्ट एंड क्राफ्ट बुक पेज नंबर 19। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बॉटल। तो आपने ये बॉटल का पिक्चर देखा होगा। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपकी जो बुक है आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है बॉटल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डिफरेंट पेंसिल कलर यूज करना है और पैटर्न्स, बेसिक शेप्स जो यहाँ पे मैंने पैटर्न्स ड्रॉ किया है, वी शेप पैटर्न, ट्राइंगल शेप पैटर्न है, वेवी लाइन जो पैरेलल वेवी लाइंस है, सिमिलर सेमी सर्कल, ट्राइंगल शेप, सर्कल शेप, कर्व्ड लाइन और ओवल शेप। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैरेलल सिमिलर ओवल शेप ड्रॉ किए हैं। तो आपको जो अपना पिक्चर दिया हुआ है बॉटल, उसमें हमें डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूज करेंगे सबसे पहले लाइट पेंसिल ड्रॉइंग। हमें ड्रॉ करना है लाइट पेंसिल ड्रॉइंग। सबसे पहले हम लाइट पेंसिल ड्रॉ करेंगे। जो लाइंस हमने क्लियरली ड्रॉ किया है, फिर उसके ऊपर हम डिफरेंट कलर पेंसिल यूज करेंगे। तो उसके बाद आफ्टर आप यूज करोगे डिफरेंट कलर पेंसिल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पोस्टर कलर यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पोस्टर कलर वाटर कलर क्लास 6 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें पेंसिल कलर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइट पेंसिल ड्रॉइंग, फिर उसके बाद हम डिफरेंट कलर पेंसिल यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्लॉक, डिफरेंट पार्ट हमें दिया है, तो हम एक्स्ट्रा पार्ट हमें ऐड करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं एक पार्ट ऐड कर रहा हूँ, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन, यहाँ पर पैरेलल कर्व्ड लाइन, अगेन कर्व्ड लाइन, यहाँ पर हमने कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट है, तो डिफरेंट पार्ट में हम डिफरेंट पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम जो स्मॉल पार्ट है वहां पर हम सर्कल से ड्रॉ कर रहे हैं, सिमिलर सर्कल से, अगेन जो कर्व पार्ट है यहाँ पर हम कर्व लाइन ऐड करेंगे। यहाँ सेंटर से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वी शेप ऐड करेंगे, वी शेप पैटर्न। इस तरीके से हम वी शेप पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइट पेंसिल ड्रॉ करना है। लाइट पेंसिल ड्रॉ करने के बाद आपको कलर पेंसिल यूज करना है। तो यहाँ पर हमने वी शेप ऐड किया, जो कर्व्ड लाइन हमने ड्रॉ किया था उसमें हमने डिफरेंट सिमिलर स्पेस और वी शेप हमने ऐड किया है, जिसको हम ट्राइंगल शेप पैटर्न भी बोल सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट पैटर्न हमें ड्रॉ करना है। जो यहाँ पर मैं बेसिक शेप्स, ये जो पैटर्न है ये बेसिक शेप्स है, उसको हमने रिपीटेशन किया है, सिंपल रिपीटेशन, सिमिलर स्पेस, सिमिलर से। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वेवी लाइन, यहाँ पर कर्व पार्ट ऐड करेंगे, सेमी सर्कल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे ट्राइंगल से, तो यहाँ पर हम कर्व ट्राइंगल से ड्रॉ कर रहे हैं, अगेन यहाँ स्पेस है तो यहाँ पर हम कलर फिलअप करेंगे, स्पेस है वहां पर, ये पार्ट हम इसको फिलअप करेंगे। सेम एज यहाँ पे ऑपोजिट साइड बी शेप ऐड करेंगे, वहां पे भी हम कलर ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज करना है, डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट कलर पैटर्न यूज करना है। सिमिलर ये पार्ट है, यहाँ पर हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ऑपोजिट पार्ट सेमी सर्कल, पैटर्न चेंज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लाइंस पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूज करेंगे वेवी लाइन, ब्लॉक चेंज हो रहा है, हम पैटर्न चेंज करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे ट्राइंगल से, अगेन पैटर्न चेंज करेंगे हम, यहाँ पर हम सर्कल ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारी ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल से, यहाँ कर्व लाइन, अगेन पैटर्न चेंज लाइन, हम यहाँ पर वी शेप ऐड करेंगे।
ट्राइंगल शेप हमें दिख रहा है। सोच डिफरेंट ब्लॉक है तो वहां पर पैटर्न चेंज करेंगे, वहां पर हम कर्व लाइन ऐड कर रहे हैं। अगेन वेवी लाइन हम रिपीट कर रहे हैं, पैरेलल डिस्टेंस अगेन ब्लॉक चेंज हो रहा है, वहां पर हम डिफरेंट लाइंस ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर्व लाइंस ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट पैटर्न यूज करना है। जो बेसिक शेप्स हमने यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ किया है, आप डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट कलर पेंसिल आपको यूज करना है। अभी हमारा जो बॉटल का पिक्चर है इसको हमें कंप्लीट करना है, जो ऑलरेडी आपको ड्राइंग किया हुआ है आपकी जो आर्ट एंड क्राफ्ट बुक में, उसमें हमें डिफरेंट पैटर्न्स ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स।